सतनाम धर्म के प्रवर्तक सतगुरु घासीदास इस नाम से तो हर कोई वाकिफ होगा, पर उनका कष्टप्रद जीवन और संघर्षों की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से किसी ने तो उनका दुखदायी जीवन के बारे में तो सुना भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल और आप देख रहे हैं हिंदी फैक्ट 2। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, गुरु घासीदास जी का जन्म सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर और लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। उस दौर पर डाकुओं का समूह था जो अत्याचार करते हुए जनता को लूटते थे। छुआछूत बढ़ चुकी थी और छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। उस समय इस क्षेत्र को एक क्रांतिकारी पुरुष की जरूरत थी जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाकर आध्यात्मिक जीवन से उन्नत कर एक सुसज्जित समाज में बदल सके। और दोस्तों, गुरु घासीदास ने उस आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक रूपता एवं धार्मिक आस्था का एक केंद्र और उच्च कोटि जीवन का दर्शन कराया। मित्रों, गुरु घासीदास जी का जन्म पहाड़ियों के गोद में बसे ग्राम गिरौदपुरी में 18 दिसंबर पूर्णिमा की रात्रि में 4 बजे की पवित्र बेला में सन 1756 में हुआ था। दोस्तों, गुरु घासीदास जी के पिता का नाम महंगू दास और माता का नाम अमरौतिन था। दोस्तों, गुरु घासीदास जी के बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता था। वे अति सुंदर तथा बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। मानव समाज में फैले छुआछूत, ऊंच नीच, काले गोरे आदि के भेदभाव, मानव द्वारा मानव पर हो रहे अत्याचार और अमानवीय व्यवहार से गुरु घासीदास जी अत्यंत दुखी हो उठते थे और छत्तीसगढ़ के समाज में तंत्र मंत्र की साधना, टोनही बैगा, पंगहा आदि का आतंक गांवों में व्याप्त था। उनके बाल मन में अनेक प्रश्न उठते रहते थे। इन जटिल प्रश्नों के हल हेतु वह हमेशा विचार मगन रहते थे, किंतु हल नहीं निकल पाने पर विचलित हो जाते थे। पिता भी उनके प्रश्नों को सुनकर चकित हो जाते थे। मित्रों, बालक घासीदास अपनी समझ एवं खोजी मस्तिष्क से 5 काठा धान को 5 एकड़ खेत में बोकर भारी फसल लेकर भाटा के पौधों में मिर्च फलाकर गरियार बैलों को हल चलाकर सांप के काटे गए बूधारू को ठीक करके सबको चमत्कृत कर दिया था। और दोस्तों, महंगू दास घासीदास की तीव्र बुद्धि को देखकर मानाकोनी ग्राम के निजी साला में दाखिला दिलाना चाहा, किंतु जातिगत भेदभाव ने असफल कर दिया। इस घटना के बाद घासीदास जी अत्यंत दुखी हो गए और युवावस्था में ही गुरु घासीदास जंगलों में जाकर चिंतन मनन करने लगे। दोस्तों, गुरु घासीदास जी के चिंतन मनन से भयभीत होकर महंगू दास ने उनका विवाह तफूरा नामक सुकन्या से कर दिया। इससे घासीदास जी के चिंतन मनन में कुछ बाधा अवश्य पड़ने लगे। दोस्तों, समय का खेल बड़ा ही अजीब होता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कुछ इसी तरह घासीदास जी के जीवन में एक ऐसा आंधी की बदलाव आता है जिनमें गुरु घासीदास जी के बड़े पुत्र अमर दास का अपहरण, पिता की मृत्यु और भाइयों के अलग होने की आदि घटनाओं ने घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की तेज लहर आ गई और उन्हें बहाकर ले गई। सब देखते रह गए। इधर सफूरा 4 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो गई। और दोस्तों, गुरु घासीदास जी गिरौदपुरी के जंगल में आता पहाड़ के औरा धौरा पेड़ के नीचे धूनी रमाकर तप करने लगे। और मित्रों, वहीं पर गुरु घासीदास बाबा को आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। और दोस्तों, इसी आत्मज्ञान से गुरु घासीदास जी को सतनाम प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, यही से सतनाम समाज की शुरुआत होती है जो कि आज के समय में छत्तीसगढ़ में एक कुशल समाज का गठन हो चुका है। और मित्रों, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष गुरु घासीदास जी के जयंती के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से गिरौदपुरी धाम में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु घासीदास जी के जीवन से जुड़े रहस्यमयी और रोचक बातें। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हम आपका राय जरूर जानना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि आप कितने अच्छे वीडियो देखते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति।